ओम शांति। आज 30 अगस्त 2024 के साकार मथुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें रहम दिल बनना सिखाया। दुनिया में अल्पकाल की खुशी के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, फिर भी उन्हें खुशी मिलती नहीं, लेकिन आप आत्माएं महादानी बन सबको खुशी का दान देते हो। आपको सबके प्रति रहमदिल बनने की आवश्यकता है। किसी के लिए भी कभी ये नहीं सोचना कि ये तो बदलने वाले ही नहीं। रहमदिल आत्माओं में रहम का गुण होता है जिससे वो सबको सच्ची खुशी शक्ति देते रहते हैं। फ्राक दिल बनकर महादानी बनकर दूसरों को देते जाना है। बाबा ने आज समझाया कि इस समय आप संगम योगी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण भी सब नंबरवार है, कोई खुशबूदार फूल है, कईयों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, पर बाबा को कभी भी कोई चिंता नहीं होती है। बाबा कहते राजधानी बननी है तो सब नंबरवार होंगे, आपको कभी किसी के लिए चिंतन नहीं चलाना, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। राजधानी में सब नंबरवार होंगे, माया के तूफान आएंगे, आपको डरना नहीं है। आपको बाबा की याद से तूफानों पर विजयी बनना है। बाबा ज्ञान स्नान करना सिखाते हैं जिससे आप स्वर्ग के परिजादे बन जाते हो। ज्ञान स्नान से स्वर्ग की परियां बन जाते हो। ये मीठा मीठा बाबा है, मीठा मीठा शिक्षक है, मीठा मीठा सतगुरु है। बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूँ। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे हे आत्मा क्यों समय व्यर्थ गवाई। बाबा ने घर की स्मृति दिलाई, अब तुम बच्चे घर में जाने वाले हो, फिर नए राज्य में आएंगे, उसके लिए इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा एक सेकंड में पूरा 84 का चक्र समझा देते हैं। बाबा आए ही हैं मनुष्य से देवी देवता बनाने के लिए। अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम ले जाने आया है। खुशी होनी चाहिए, दुख हरने वाला बाबा सुख धाम ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। क्वेश्चन है बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाबा को चिंता नहीं होती। बच्चों की किस स्थिति को देखते बाबा को चिंता नहीं होती। कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। ये सब देखते हुए बाबा को चिंता नहीं होती कि बाबा जानते हैं ये सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाबा शिक्षा देते बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैशाल्य में बैठे हो, कितना मीठा बाप है वो खुशी दिल में होनी चाहिए। कितना मीठा बाप है वो खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप में आधा कल्प सुख धाम ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमें सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जो और कोई नहीं समझा सकता। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, सारा चपटी में समझाते हैं।
एक सेकंड में बाबा समझाते, फिर साथ में ले जाएंगे, यहां तो रहना नहीं, सब आत्माओं को साथ लेके जाएंगे, बाकी थोड़े रोज हैं। कहा जाता बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, बाकी थोड़ा समय है, इसे जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा जो जमा है वो खलास हो जाएगा। भले माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करो, वो याद करने से हटाएगी, ये भी बाबा बता देते। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं, बहादुर बनना है। बाबा कह देते हैं ये आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, इन बातों में डरना नहीं। युद्ध का मैदान है, सब विनाश हो जाना है, तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना। यहां बाबा कहते कोई हठ योग नहीं करना। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश नहीं करनी। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते, बाबा को अनुभव है, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी होना, जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है परंतु फुर्सत कहां, इतने कारखाने हैं, ये है। तुमको बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, एक तो बाप को याद करो, चक्र को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो, बस। क्या ये डिफिकल्ट है? सत्युग त्रेता में इनका राज्य था, फिर इस्लामी बोधि आदि की वृद्धि होती गई, वो अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह ना सके क्योंकि अपवित्र बन गए। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वो हिंदू कहलाने लग पड़ते। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाबा बच्चों को सिखा रहे हैं बाबा को कैसे याद करना है, बाबा खुद बताते कैसे याद करना है। बाप आए हैं घर ले जाने, किसको किसको लेके जाएंगे, आत्माओं को याद करेंगे, वो अंतिम दृश्य। आगे आगे शिव बाबा, ज्योति बिंदु बाबा, और हम छोटी छोटी आत्माओं का झुंड, चल पड़े हम अपने वतन की ओर, निज धाम शांति धाम। बाबा कहते हैं आप बच्चों को ये तैयारी करनी है, घर जाना है, बाबा आए हैं घर ले जाने, किसको, आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना पवित्र बनते हो, पवित्र बनते जाएंगे तो सजा भी नहीं खाएंगे, अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते जाएंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते, युद्ध करते नहीं, ऐसे भी हैं। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना, भले वहां दुख नहीं होता परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे, यह कलयुग, वहां यहां साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भाषा तो होगी ना, दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते हैं, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती, इस दुख दाम को भूल जाते। सत्युग में तुम्हें दुख याद भी नहीं होगा, दुख दाम सुख दाम की याद अब बाबा याद दिलाते। मनुष्य कहते स्वर्ग था, परंतु कब था कैसा था कुछ नहीं जानते, लाखों वर्ष की बात कोई भी कोई को याद भी ना आ सके। बाबा कहते भले तुमको कल सुख था, कल फिर होगा, यहां बैठ फूलों को देखते हैं, ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं, ये स्थेरियम नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है, बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती है। हाँ समझते हैं कि बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं, पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों, और वो भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं ये बाबा बैठकर देखते, क्योंकि ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है, बच्चे खुद भी समझते
बाबा स्वर्ग का वर्षा देते, बाबा को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे, बाबा को याद करेंगे याद से पाप कट जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसे कहा जाता मानी और मोचरा। बाबा को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। बाबा ने कहा कि इतना याद करो कि पापों का बोझा उतर जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता, जू मिसल चलता रहता है, जू सबसे आहिस्ते चलती है, ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5-4 वर्ष में सेकंड मिनट्स कितने होते वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाप एक एक को बैठ देखते ये बाबा को कितना याद करते हैं, अटेंशन देंगे, बाबा एक एक को देखते हैं ये कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया, और को कितना समझाते हैं, है बहुत सहज। सिर्फ बाप का परिचय दो, बैज तो सबके पास है, बोलो ये है शिव बाबा, काशी में जाओ तो शिव बाबा कह के याद करते हैं, रड़ी मारते हैं, तुम हो शालिग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है और उसमें पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं, जोहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी घिसता नहीं, दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें, ये सब बेहद का बाप समझाते, बेहद का शिक्षक है, बाप है, सबको शिक्षा देते, मन मना भव। तुमको भी कहते कोई धर्म वाले मिले उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाबा शिक्षा देते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, केवल मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ही पतित पावन है ये किसने कहा, आत्मा ने। मनुष्य भले गाते हैं अर्थ नहीं समझते। बाप कहते तुम सब सीताएं हो, मैं हूं राम, सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूं, सबकी सदगति कर देते, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते। सत्यों में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं, वहां ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा, ये रेल आदि भी नहीं होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, वहां तो रेल की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ तो ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वहां तो इसकी आवश्यकता ही नहीं, छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा है जो तुम्हें समझाते रहते हैं। ऊंच से ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है, हम आत्माएं सब वहां स्वीट होम की रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते, साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते, गाया जाता आत्मा मन बुद्धि सहित है और उसका स्वधर्म है शांत, मुख ही नहीं कर्म इंद्रिया ही नहीं तो जरूर शांत होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहां बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुख धाम में, अब इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं, सुख धाम में जाते हैं, बाप पावन बना रहे हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं होंगी, हमारी राजधानी होगी, जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा, क्या होना है वंडर देखेंगे, कितनी बड़ी सृष्टि है, यहाँ सब आपस में लड़ते रहते फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य होगा। इतना सब कुछ खत्म हो, इतना सब कुछ खत्म हो, सब कहाँ जाएंगे, समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाती, सागर हप कर लेता, तत्व तत्व में मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाती, फिर दुनिया ही तमो प्रधान होती,
उस समय कहा ही जाता, उस समय नई दुनिया में सतो प्रधान प्रकृति, अभी है तमो प्रधान। तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, सतो प्रधान दुनिया में नेचुरल ब्यूटी होती है, लिपस्टिक आदि कुछ नहीं लगाते। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बन रहे हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो देवी देवता कैसे बनेंगे? ज्ञान स्नान करने से ही परिजादे बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे? और कोई उपाय नहीं। बाबा तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्मा ही सांवरी बन गई। माशुक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर तुम्हें सुंदर बनाते। बाबा कहते मैंने इसमें प्रवेश किया, मैं कभी सांवरा नहीं बनता। शिव बाबा कहते मैंने ब्रह्म तन में प्रवेश किया, निराकार शिव बाबा कभी सांवरा नहीं बनता। तुम सांवरे से सुंदर बनते हो, सदा सुंदर एक ही मुसाफिर है, ये बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन, सबको सुंदर बनाना है, आत्मा को सुंदर बनाना है, बाप को श्याम, बाप तो श्याम सुंदर नहीं बनते। गीता में भूल कर दी, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसे कहा जाता एकज भूल, एक ऐसी भूल जिसने और भूलों को जन्म दिया। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता उसका नाम डाल दिया। ये कोई समझते थोड़े ही है, भारत फिर सुंदर बनना है, वो तो समझते 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा। तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाबा आत्माओं से बात करते, कहते मैं आधा कल्प का माशुक हूं, तुम मुझे याद करते आए, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं को आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पे चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा नहीं करो, नहीं सब कुछ करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं, बच्चों के संभाल करो। बाकी बाप कहते बच्चों के संभाल करो, लेकिन अभी और वृद्धि नहीं करो, नहीं तो वही याद आते रहेंगे। इन सबके होते हुए इनको भूल जाना है, सबके बीच में होते कार्य करते बुद्धियोग यहां से हटा लेना है। जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है, शरीर खत्म हो जाएगा, बाबा की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते, फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहां होता, दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहां दिखाएं, वो फिर छत में रख दिया। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है, कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं, उससे ऊपर है गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचे से ऊंचा सतगुरु, फिर बीच में दिखाया स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहां होगा। देवताएं यहां थे ना, परंतु उसके लिए पावन दुनिया अब बन रही है, फिर से पावन दुनिया बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा देनी है, नए घर को याद करना है, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। मायक युद्ध से डरना नहीं, विजयी बन के दिखाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, पुराने दिल, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। मायक युद्ध से डरना नहीं, विजयी बन के दिखाना है।
वरदान है, महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाली, मास्टर रहम दिल भव, महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले, मास्टर रहम दिल भाव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्श करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं, आप रहम दिल बनकर देते जाओ देते जाओ। कभी ये नहीं सोचो कि ये सुनने वाले नहीं, बदलने वाले नहीं, देते जाओ। आपकी शुभ भावना उनको फल अवश्य देगी। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मिंद्री को ऑर्डर में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी हैं। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मिंद्री को ऑर्डर से चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर रहम दिल आत्मा हूं। मन ही मन याद करें, बाबा ने हमें बहुत सारा खुशी का खजाना दिया है। हमारे पास फुल स्टॉक है और आत्माओं को इसकी बहुत आवश्यकता है। सर्वात्माओं को महादानी बनकर खजाने का दान देते जाए। रहम दिल आत्माएं इस खजाने का दान करती हैं। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। हर एक आत्मा बाबा की शक्ति पाकर दिल से कह रही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अंत समय में हरेक बीके को दो कार्य करने हैं, वह दो विशेष कार्य बाबा ने कौन से बताए, सुनते हैं आज के ज्ञान मोती।